इस यूनिट का जो अपना थर्ड चैप्टर है वो आपके जुडिशरी के बारे में, ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि गवर्नमेंट के जो है अपने थ्री पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला होता है लेजिस्लेटिव, फिर होता है एग्जीक्यूटिव और फिर होता है जुडिशरी। किनका क्या काम है वो आपको इतनी देर तक तो आप जो है सुन चुके और पढ़ भी चुके हो, ठीक है ना। तो डायरेक्टली आज स्टार्ट करते हैं जुडिशरी में होता क्या, ठीक है। इंडियन पॉलिटिक्स की बात करें या इंडियन जुडिशियल सिस्टम की बात करें तो इसमें जो है सबसे ऊपर जो कोर्ट आता है वो आता है आपका सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद जो आते हैं वो डिफरेंट हाई कोर्ट्स, और उसके बाद में आते हैं जो आप आते हैं लोकल कोर्ट्स या जिनको बोलते हैं सेशन कोर्ट, ठीक है। तो ऑल ओवर आपकी अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया लेवल पे जो है एक सबसे बड़ा जो कोर्ट होता है सुप्रीम कोर्ट, जो कि दिल्ली के अंदर है उसके, और ये जो है आपके 1935 एक्ट में भी लिखा हुआ है जो लास्ट ईयर आपने पढ़ा था। उसके बाद हर पर्टिकुलर स्टेट के अंदर जो है कोशिश ये रहती है, जरूरी नहीं है, कोशिश ये रहती है कि हर स्टेट के अंदर जो है एक हाईकोर्ट जरूर हो। हर स्टेट के अंदर क्या हो, एक हाईकोर्ट जरूर हो। तो स्टेट से रिलेटेड जो भी इश्यूज है, चाहे तो फिर वो फंडामेंटल वायोलेशन के हैं या फिर और कोई जो केसेस हैं जो कि लोकल कोर्ट या सेशन कोर्ट में लगे थे और वहां से जो है उसका रिजल्ट आने के बाद जो लोग हैं उससे जो है पेटिशनर जो है वो जो है उससे एग्री नहीं करता, उसको लगता है मेरे साथ जो है जस्टिस नहीं हुआ है, तो वो क्या कर सकता है, अपना हाईकोर्ट में जो भी है केस लगा सकता है, उसको वापिस से सुनवाई कर सकता है कि सर जो है ऐसा ऐसा, हाईकोर्ट उस कोर्ट को केस को देखेगा और उसको क्या लगता है अगर वो चाहे तो उसी सजा को या उसी डिक्लेरेशन को जो है जो उन्होंने दिया था, चाहे तो वो सिविल कोर्ट सिविल केस हो चाहे वो क्रिमिनल केस हो, ठीक है ना, उसको जो है वो कंटिन्यू भी रख सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं, फैक्ट के हिसाब से क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो जनरली ये कोशिश रहती है कि एक स्टेट के अंदर एक हाईकोर्ट हो जाए, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि स्टेट जो है वो ज्यादा बड़ा होने के कारण या पॉपुलेशन ज्यादा होने के कारण या और कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव जो है इजीनेस के कारण क्या किया जाता है कि जो हाईकोर्ट जो है जहां पे भी है स्टेट के अंदर वो तो वहीं रहता है, उसके पैरेलल एक बेंच, ठीक है। बेंच मतलब की पार्ट कहां लगा देते हैं, किसी और डिस्ट्रिक्ट में भी लगा देते हैं। इसका परफेक्ट एग्जांपल है आपका राजस्थान, ठीक है। राजस्थान में क्या है आपको पता हो तो राजस्थान का हाईकोर्ट जो है वो आपका कहां पे है, जोधपुर में, ठीक है। पर कैपिटल क्या है, क्या है, जयपुर है। और पहले तो काम चल गया, फिर बाद में धीरे धीरे लगने लगा हर चीज के लिए, गवर्नमेंट को हो या गवर्नमेंट के जो वकील है या और भी कुछ केसेस हैं, क्योंकि राजस्थान आपको पता है इधर भी फैला हुआ और इधर भी फैला हुआ, तो देखते हुए वास्टनेस देखते हुए जोधपुर का जो इलाका है वो थोड़ा दूर होने के कारण उस कॉर्नर से राजस्थान के ऐसा लगा कि भाई ऐसा करते हैं हाईकोर्ट जो है वो तो जोधपुर में रहते हैं, एक बेंच मतलब एक पार्ट, कुछ जजेस जो है वो क्या करेंगे जयपुर में भी बैठेंगे ताकि जो उस साइड के जो मैटर्स है या जो इम्पोर्टेंट मैटर्स है, क्योंकि गवर्नमेंट सारी कैपिटल हमारी कहां पे है, जयपुर में, ठीक है ना, तो वहां से काम इजीली हो सके, इसलिए वहां पे भी काम कर सके, ठीक है। दो पार्ट कर दिए गए, तो मेन बेंच जो है, ठीक है, मेन बेंच जो है वो तो कहां पे लगी हुई है आपके जोधपुर में, ठीक है ना। मेन जो चीफ जस्टिस वगैरह है जो जजेस है वो कहां बैठते हैं, जोधपुर में। पर इसी के साथ जो है कुछ जजेस जो है वो कहां बैठते हैं आपके, जयपुर में भी बैठते हैं, वहां पे भी पैरेलल जो है हाईकोर्ट का जो है पूरा चलता रहता है, ठीक है ना। ये बात है आपका हाईकोर्ट की बेंच कहां लगी हुई है, जयपुर में भी लगी हुई है। अभी ये बीच में और डिमांड उठी थी कि सर जो वागड़ एरिया जो सदर्न एरिया है राजस्थान का, वहां से लोग बाग जो है जयपुर या जोधपुर आने में थोड़ी तकलीफ होती है, तो एक बेंच उदयपुर में भी लगा दो। मतलब कि जो फिक्स क्वांटिटी है हर स्टेट की फिक्स होती है, ठीक है ना। मान लो राजस्थान की जैसे 30 फिक्स है, ठीक है, 30 और प्लस एक जो चीफ जस्टिस है ये फिक्स है, ठीक है ना। तो साहब 30 जो है ना, तो 15 मान लो जोधपुर में बैठ रहे हैं, 10 मान लो जयपुर में बैठ रहे हैं, तो उन्होंने बोला साहब 5 को क्या बैठा दो, वहां बैठा दो, ताकि क्या हो जो इम्पोर्टेंट मैटर है वो तो वहीं सुलझ जाएंगे, बाकी जो आ सकता है वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है ना। पर वो उदयपुर वाला अभी कैंसिल चल रहा है, अभी कुछ ऐसा हुआ नहीं है, ठीक है, क्योंकि एडवोकेट्स ने जो है वो कर दिया था आंदोलन वगैरह कि नहीं नहीं ये इस तरह से क्या होता है कि जुडिशरी बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो ये वाला चीज है,
हर स्टेट का अलग अलग मामला है, तो वहां का एडमिनिस्ट्रेशन जो है और जो सुप्रीम कोर्ट या जो जुडिशियरी उसको ठीक लगे उसके हिसाब से बेंचेस का डिवीजन वगैरह हो सकता है, ठीक है ना। अब कोई पूछेगा यूनियन टेरिटरीज में, यूनियन टेरिटरीज में जनरली, यूनियन टेरिटरीज में जनरली हाईकोर्ट वगैरह नहीं होते हैं, उनके आसपास जो भी स्टेट लगता है, स्टेट की कैपिटल लगती है, उसमें जो है एकोमोडेट मतलब कि वहां पे जो है इंक्लूड कर दिया जाता है, ठीक है। जैसा कि आपके चंडीगढ़, चंडीगढ़ अब क्या है पंजाब की कैपिटल है और हरियाणा की कैपिटल है और खुद भी यूनियन टेरिटरी है, तो वहां का जो हाईकोर्ट है वो भी चंडीगढ़ में है, तो चंडीगढ़ में यूनियन टेरिटरी का कोर्ट नहीं है, चंडीगढ़ में एज ए कैपिटल जो है पंजाब और हरियाणा दोनों का मिक्स का हाईकोर्ट वहीं पे है, तो वहां से वो अपना काम वगैरह कर रहे हैं, ठीक है। उसी तरह पुडुचेरी जो है उसमें जो है वो तमिलनाडु का इलाका जो है वो लगता है, तो तमिलनाडु पुडुचेरी के जो भी केसेस है वो कहां चले जाते हैं, ऑटोमेटिक तमिलनाडु में चले जाते हैं, ठीक है ना। और अगर फ्यूचर में अगर जरूरत पड़े तो पुडुचेरी के अंदर भी आपका हाईकोर्ट वगैरह खोल सकते हैं, तो वो सब डिपेंड करता है कि किस तरह से कितना एडमिनिस्ट्रेशन और कितना नीड है, ठीक है ना। तो ये बात है। और फिर जो थर्ड लेवल है सबसे निचले लेवल पे जो है वो आता है आपके सेशन कोर्ट या जिनको लोकल कोर्ट भी बोलते हैं, उनमें जो है आपके डिफरेंट डिफरेंट केसेस लिए जाते हैं। ये तो है आपकी हायरार्की, ठीक है। सबसे पहले अगर बात की जाए नीचे से तो वन नंबर पे ये आएगा, टू नंबर पे आएगा और थ्री नंबर पे ये आएगा। अब ये फंक्शन कैसे करते हैं, वर्क कैसे करते हैं, उसको एक बार हम देख लेते हैं, ठीक है ना। कोई भी केस जब रजिस्टर होता है, ठीक है ना, वो सबसे पहले चाहे सिविल हो, क्रिमिनल हो, या एक्सपर्ट और भी किसी नेचर का हो, ठीक है ना, और भी किसी नेचर का हो, ठीक है, सबसे पहले वो कोर्ट का वो केस कहां लगता है, लोकल कोर्ट में या सेशन कोर्ट में जो है आपके लगता है। जनरली जो है हर डिस्ट्रिक्ट, जिले की बात कर रहा हूं, स्टेट में डिस्ट्रिक्ट होते हैं ना, हर जिले के अंदर जो है सेशन कोर्ट होते हैं जनरली, ठीक है ना। तो छोटा सा भी डिवीजन है तो वहां पे भी जो है होंगे लोकल जो है डीएम वगैरह बैठते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिसको कहते हैं वो बैठते हैं, और इनके थ्रू जो क्या होता है कि जो केसेस वगैरह लड़े जाते हैं, ठीक है ना। अब कोई बोलेगा कि जजेस कौन होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कौन होते हैं, तो आपको बता दूं तो जैसे आपके आईएएस वगैरह की जो एग्जाम होते हैं, जैसे राजस्थान में आरएस वगैरह का एग्जाम होता है, उसी तरह जुडिशियल सर्विसेज के लिए जो है राजस्थान की बात करूं तो आरजेएस होता है, राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज, ठीक है, इसका एग्जाम होता है। एग्जाम दो आप, लॉ आपकी होनी चाहिए और ये एग्जाम होता है, इसको फाइट करो तो आप क्या बन जाते हो, मजिस्ट्रेट बन जाते हो। और आप बैठते कहां पे हो, आरजेएस में या जिस हर अलग अलग स्टेट में अलग अलग एग्जाम होते हैं, तो आप बैठते हो। इंडिया लेवल पे कोई एग्जाम नहीं होता अभी तक जुडिशियल का, जिस तरह से आईएएस वगैरह होता है वैसे इंडिया लेवल पे कोई नहीं होता, पर स्टेट पे अलग अलग होता है। तो ये जो लोकल है सेशन कोर्ट है, जो सबसे सबसे पिलर यही है, सबसे पहले कोर्ट ये लगते हैं, आपके जो भी केस है वो डायरेक्ट हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाते, ठीक है ना। सबसे पहले आपके केसेस कहां जाएंगे, या हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वही केस जाएंगे जो बहुत जरूरी है, जो आर्टिकल 32 के अंदर आते हैं, ठीक है, रिट से रिलेटेड, जो आपने पांच रिट्स पढ़ी है उनसे रिलेटेड है। अगर फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन होता है तो डायरेक्ट हाईकोर्ट में आएंगे, बाकी जो नॉर्मल केसेस होते हैं चोरी चकारी वगैरह, सिविल टैक्सेशन वैक्सेशन सब मिला के, सिविल क्रिमिनल एक्स वाई जेड सब, सबसे पहले कहां लगते हैं, सेशन कोर्ट में, ठीक है ना। वहां केस चलेगा और सुनने वाले कौन होंगे, इनसे जो सेलेक्ट होकर बंदे आते हैं वो होंगे, ठीक है ना, तो उनको बोलते हैं मजिस्ट्रेट और वो आपके केसेस वगैरह सुनते हैं, ठीक है। साथ ही साथ क्या होता है कि इनके साथ जो एडवोकेट्स होते हैं, जो एडवोकेट्स होते हैं ना, उनमें भी से भी जो है किसी का जो है एक्सपीरियंस देखने के बाद, 10 साल 15 साल का एक्सपीरियंस देखने के बाद जो है उनको भी जो है जज बना दिया जाता है या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बना दिया जाता है। तो एडवोकेट कोटा भी होता है, कोटा मतलब कि अलग से इनका भी होता है कि अगर 70% इनसे सेलेक्ट होके आ रहे हैं तो 30% किससे आएंगे, एडवोकेट्स। उनका पूरा एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड है कि भाई 10 साल जो है वो एडवोकेट रेगुलर होना चाहिए, उसके बाद इतने केसेस आने चाहिए, ठीक है, सब कुछ क्राइटेरिया देख के जो है फिर वो सिलेक्शन होता है, उनका अलग से मामला होता है, उनको कौन करता है, ये हाईकोर्ट का जो भी बार है वगैरह जो है ये सिलेक्ट करता है। इसके बाद फिर आता है आपके यहां पे केस लगा, केस लगने के बाद क्या हुआ कि भाई कोई फैसला आ गया, भाई आपको 5 साल की सजा दी जाती है। अब आपको लगा मुझे जो है पनिशमेंट बहुत ज्यादा दे दिया गया है, या आपके दूसरे वाले साइड को लगा इसको जो है बहुत कम दे दिया गया है, ठीक है ना। आपने कोई भी केस कर दिया, कोई भी एक्स वाई जेड आपके साथ कोई चीज हो गई, इंसिडेंट हो गया, ठीक है, आपको तो लगा कि मुझे डिसीजन जो मिला है वो 5 साल बहुत ज्यादा मिल गया है, ऐसे मैंने कुछ किया नहीं था, पर आपका जो अपोजिट वाला था उसको लगा ये तो 5 भी कम मिला है, इसको ज्यादा मिलना चाहिए। तो दोनों में से कोई भी अगर सेटिस्फाइड नहीं है, दोनों में से अगर कोई भी सेटिस्फाइड नहीं है तो कहां जा सकते हैं, सीधा जा सकते हैं हाईकोर्ट में, ठीक है। डायरेक्टली नॉर्मल केसेस में आप हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हो, इनमें सिर्फ एक ही बात होती है रिट वाली, उसमें जा सकते हो जब फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन होता है। सबसे पहले आपको सभी केसेस बाकी में इधर जाना पड़ेगा, इधर होने के बाद फैसला आएगा, फैसला ट्रायल चलती है, मतलब कि धीरे धीरे सुनवाई चलती है, ठीक है।
उसके बाद ट्रायल के बाद फैसला आएगा, फैसला आने के बाद अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप कहां जा सकते हो, हाई कोर्ट जा सकते हो। फिर हाई कोर्ट डिसीजन क्या करेगा, या तो इसी को कर देगा नहीं इन्होंने जो दिया था वो सही, या उसको चेंज करेगा क्योंकि फैक्ट आप सामने रखोगे, नए नए सबूत सामने रखोगे, ठीक है ना, उसको चेंज भी कर सकता है, ठीक है। और बढ़ाने का जनरली नहीं बढ़ाता है हाईकोर्ट, ठीक है, बढ़ाता नहीं है सभी सजा को, या तो चेंज करता है या वही फिक्स रखता है। अब हाईकोर्ट ने डिसीजन दे दिया, फिर भी आप जो है आपको लग रहा है नहीं मेरे साथ या दोनों पार्टीज में से किसी को लग रहा है कि नहीं नहीं जस्टिस नहीं हुआ है, तो डायरेक्ट कहां जाएंगे अब सुप्रीम कोर्ट में। जनरली सुप्रीम कोर्ट में जो है फिर आ जाता है ये डिसीजन है, मान लो फिर भी आपको जो है ठीक नहीं लग रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, भयंकर और कोई जीने मरने से रिलेटेड है, नॉर्मल केस तो ऊपर नहीं जाता है वैसे, हाईकोर्ट से ऊपर मुश्किल ही जाता है, फिर भी अगर किसी को लगता है तो सुप्रीम कोर्ट में जाओ, और फिर भी अगर किसी को लगता है कि नहीं और भयंकर है तो फिर वो जा सकता है प्रेसिडेंट के पास, जो आपने पढ़ा था, फिर वो दया वगैरह में जाता है, बहुत हाई फाई लेवल के केस होते हैं, नॉर्मल केसेस में जो है वो प्रेसिडेंट उस केस को नहीं कंसिडर करते, सुप्रीम कोर्ट में तक भी बात नहीं जाती है, जनरली हाईकोर्ट में जो है बात फिर हो जाती है, लोग सेटिस्फाइड हो जाते हैं। सीधा सा एग्जांपल लू मैं आपको, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो, ठीक है ना, सीधा सा एग्जांपल लिए, वैसे ही 8th क्लास का चैप्टर है, वैसा वैसा सेम यहाँ पे वापस लिख दिया है, तो कोई भी आप ऐसे ना सोचे कि 12th में हमको पता नहीं क्या पढ़ना पड़ रहा है, कुछ नहीं पढ़ना पड़ रहा है, अगर आपने 8th क्लास और 10th क्लास में जो भी आपको डिक्शनरी ढंग से पढ़ाया है तो ये इतना प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए वैसे, ठीक है ना। तो बात करते हैं इसकी, इसमें क्या हो रहा है, आपके सलमान खान का केस है, ठीक है ना, तो वो सबसे पहले उन्होंने जो भी किया शिकार वगैरह प्रोचिंग वगैरह जो कि ठीक ही कर दी, ओके हो गया, वो केस कहां लगा, सेशन कोर्ट में, सेशन कोर्ट में उसकी सुनवाई होती गई, कभी वकील नहीं आता, कभी डेट नहीं मिलती वगैरह वगैरह, सब चीजें चलती रहती है, ठीक है, लंबा प्रोसेस। तो 10 साल बाद जो उसका डिसीजन आया कि सलमान खान को क्या होगा, 5 साल की जेल होगी, ठीक है, कोई बात नहीं, सलमान खान ने क्या किया, 5-4 दिन यहां बेरा भी था जेल में वगैरह जो भी, ठीक है, उसके बाद जो उन्होंने कहा आगे लगा दिया हाईकोर्ट में, हाईकोर्ट में जो है सुनवाई हुई 1-2 महीना, वहां के जो वकील है उन्होंने उनकी बात रखी है, जो भी एक्सपेरिमेंट चली, हाईकोर्ट ने जो है सजा को कम कर दिया कि नहीं, जो सबूत है वो शायद लोकल कोर्ट को सही से दिखे नहीं है, सबूत है वो ये बताते हैं कि ये क्राइम स्पॉट पे थे ही नहीं, तो कहने का मतलब है 5 साल की जेल हुई थी वो जीरो कर दी एक केस में। केस टोटल कितने चल रहे हैं, 4-5 केस चल रहे हैं, हथियार का भी है वगैरह वगैरह भी, ठीक है, और उनपे ऊपर और भी कहीं चल रहे हैं, तो वो अगले महाराष्ट्र वगैरह में चल रहे हैं जहां उन्होंने रैश ड्राइविंग करी थी और गाड़ी किसी पे चढ़ा दी थी, वो अलग चीज है, ठीक है। हाँ, एक और बात, जो केस जहां पे हुआ है उसी कोर्ट में लगेगा, कहने का मतलब है अगर जोधपुर में हुआ है तो फिर आपको भले आप रहने वाले महाराष्ट्र के हो, रहने वाले तमिलनाडु को, आपको आना कहां पड़ेगा, बार बार यहां आना पड़ेगा अगर केस यहां पे लॉन्च हुआ है तो, ठीक है। जगह कौन सी थी, जोधपुर थी, तो आपको जो है लोकल कोर्ट, अगर जगह होती मान लो उदयपुर, तो उदयपुर के लोकल कोर्ट में आपको जाना पड़ता, फिर आप सिफारिश करते हैं हाईकोर्ट में तो आपको आना पड़ता जोधपुर या फिर जयपुर, जहां पे भी आप लगा रहे हो, ठीक है, और फिर वो सुप्रीम कोर्ट तो आई, ठीक है। ये इस तरह से केसेस आपके पूरी जुडिशरी वर्क करती है, ठीक। और अगर कोई, हाँ दूसरी बात, अगर किसी स्टेट के बीच में या दो स्टेट के बीच में लड़ाई चल रही है, चाहे फिर वो पानी से रिलेटेड हो जो हमने पढ़ा भी था, कावेरी डिस्प्यूट वगैरह या और कुछ हो, तो उसके लिए मैटर्स कौन सुनते हैं, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जो है वो सुन लेते हैं भाई जो है वास्तव में क्या चीज होगी। तो सुप्रीम कोर्ट का क्या काम है आपको समझ में आ गया होगा, स्पेशल केसेस जो होते हैं वो सुनना या और कोई डिस्प्यूट वगैरह है वो सुनना, ये काम है। हाईकोर्ट का क्या है, इनके केसेस सुनने, ठीक है। तो ये आपका पूरा जुडिशरी इस हिसाब से वर्क करता है। चलो एक बार देख लेते हैं। हाँ, एक और आ जाता है अपॉइंटमेंट का, जजेस का जो अपॉइंटमेंट है, ठीक है ना। आपने सेशन वाला तो देख लिया कि एग्जाम देके हो जाते हैं, पर हाईकोर्ट वगैरह में जो है एग्जाम वगैरह नहीं होते। हाईकोर्ट वगैरह में जो है आपके, पहले बात करते हैं हाईकोर्ट की, सेशन में तो आपको लोकल में तो आपको पता चल गया क्या होता है एग्जाम वगैरह, ठीक है। हाईकोर्ट में क्या होता है कि फिक्स कोटा होता है, ठीक है, कि भाई जो आरजेस थे जो सेशन में काम कर रहे थे और जो एडवोकेट्स हैं, ठीक है, इनके फिक्स कोटे होते हैं। इसमें होता है भाई आरजेस कोटे से बनेंगे 60% और एडवोकेट से बनेंगे 40%, और इनके भी जो है प्रमोशन टाइप है, ठीक है ना। तो आरजेस में अगर किसी ने जो है 15-20 साल जो है वो नौकरी कर ली है, वो मजिस्ट्रेट रह लिया है, ठीक है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड सही है वगैरह वगैरह है, तो फिक्स डेट रखी है और उसके हिसाब से जो है क्वालिफिकेशन के हिसाब से उसको प्रमोट करके जो है हाईकोर्ट का जज बना दिया जाता है। उसी तरह एडवोकेट है, अगर कोई सीनियर लॉयर है, उसके 10 साल पूरे हो गए, उसने जो है करीब करीब 1000 केसेस लड़ रही है, XYZ उसका जो है ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, उसको अच्छी समझ है,
ठीक है ना, ये चीज हो गई है तो उसका भी जो है प्रमोशन कर दिया जाता है, उसको जो है डायरेक्टली किसमें, हाईकोर्ट में सीधा उसको जज बना दिया जाता है। तो कोटा होता है, मतलब कि फिक्स होता है कि इतने तो आरजेएस वाले बनेंगे, इतने एडवोकेट वाले बनेंगे। ठीक है, फिर ये तो हो गया हाईकोर्ट की बात, अब आती है आपके, हाँ कोई ये पूछेगा कि सर इनको बनाता कौन है, इनको जो है एक हाईकोर्ट की बात कर रहा हूं, ठीक है, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में एक कॉलेजियम होती है, कॉलेजियम मतलब कि ग्रुप समझ लो आप, अभी तो कॉलेजियम होती है जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस प्लस सीनियर जज, प्लस चार सीनियर जज, पांच जनों की एक बॉडी होती है, वो क्या करती है, सबके पेपर्स मंगवाती है, चाहे तो ये वाले हो, उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखती है, चर्चा करती है, बातचीत करती है, और उनको जो है फिर काफी टाइम लेने के बाद जो है इनको हाईकोर्ट का जज बना दिया जाता है। ठीक है, सेशन का आपको समझ में आ गया, एग्जाम दो बात खत्म। ठीक है, और हाईकोर्ट का जो है इनको बना दिया जाता है। ठीक है, तो और कोई पूछ, सॉरी एक मिनट, हाँ ये हो गया। इसके बाद आपके आता है भाई सुप्रीम कोर्ट में किस तरह से वर्क करता है, तो हाईकोर्ट में फिक्स ड्यूटी देने के बाद में यही कॉलेजियम, ये सेम कॉलेजियम क्या करता है, अगर किसी को लगता है कि वास्तव में ज्यादा सीनियर है और इसको सुप्रीम कोर्ट में आने लायक है, तो इनमें से मिला के जो है कुछ लोगों का सीधा प्रमोशन कहाँ हो जाता है, फिर सुप्रीम कोर्ट में हो जाता है और वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस बन जाते हैं। ठीक है ना, तो ये इसके हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का डिसाइड करने के लिए कौन होता है, कॉलेजियम होती है जो डिसाइड करती है। सेशन कोर्ट में क्या होता है कि पूरा फिक्स पैटर्न होता है, या तो एग्जाम्स होंगे या एडवोकेट्स के अलग से एग्जाम लिए जाएंगे और उनकी अलग से भर्ती की जाएगी एज अ क्या नाम हो के जजेस। ठीक है, इस हिसाब से इनके रिक्रूटमेंट वगैरह होता है। एक बात जो बतानी है, ये क्यों बताई गई है, वो इसलिए बताई गई है कि अभी जो है गवर्नमेंट जो है, ये जो गवर्नमेंट चल रही है, पिछली बार मतलब फर्स्ट जब इनका कार्यकाल था 2015 के आसपास जो है, ये जो है बिल लेके आए थे। ठीक है, उस बिल में ये लिखा हुआ था कि भाई जो है हम व्यवस्था कर रहे हैं, बिल कौन सा था, 121 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। अब कोई ये नहीं पूछेगा सर आप तो बोल रहे थे 104 ही हुए, 121 क्यों है, ये बिल है। वो जो 104 हो रखे हैं ना कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, वो एक्ट मतलब कानून बन चुके हैं, उस पर प्रेसिडेंट के सिग्नेचर हो चुके हैं। ठीक है, ये इतना डिफरेंस क्यों है 121 और 104 में, इसके बीच में या जनरली और भी जो सारी चीजें थी, जनरली होता क्या है कि एक बिल लगा था मान लो 101 अमेंडमेंट बिल, ये मान लो लगा था 1999 में, क्या लगा था, बिल लगा था अमेंडमेंट का। ठीक है, ये क्या हुआ, किसी कारण पास नहीं हुआ, तो इसका नंबर तो जाएगा नहीं। ठीक है ना, और उससे पहले जो है आपके अमेंडमेंट कितने हो रखे थे, मान लो 90 अमेंडमेंट हो रखे थे, एक्ट बन चुके थे, 90 अमेंडमेंट हो चुके थे, एक्ट कानून बन चुके थे, ये 101 हुआ था जो पास नहीं हुआ, 102 हुआ कुछ और था अमेंडमेंट बिल, मान लो आया था 2000 में, वो भी पास नहीं हुआ। ठीक है ना, फिर 103 आया, वो भी पास नहीं हुआ, फिर आया 104, वो पास हो गया। तो ये जैसे ही बिल पास हुआ वो क्या बन गया, एक्ट बन गया या कानून बन गया। तो ये इसका पास होने का बिल कौन सा था, 104, पास होने के बाद ये कौन सा बनेगा, 91, क्योंकि ये बीच में ये तीन तो पास हुए नहीं थे ना, पेंडिंग रह गए थे, तो इनकी गिनती नहीं होगी किसमें, एक्ट में। कहने का मतलब ये है कि जब बिल लाए जाते हैं ना, उनके नंबर होते हैं, ये बिल, जिस तरह से वो पास होते रहते हैं उस हिसाब से वो एक्ट बनते रहते हैं। ठीक है ना, तो इस हिसाब से जो है 104 नंबर का जो बिल था वो पहले पास हो गया, ये पहले पास नहीं हुए, पास होने के कारण इसका नंबर कहां लग गया, 96 से 91 लग गया। ठीक है, इस हिसाब से जो आपकी है की चलती है। ठीक है ना, तो आपके आया था एक 121 नंबर का जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल था, ठीक है, उसमें था नेशनल जुडिशियल, ठीक है, अपॉइंटमेंट जो है कमीशन बनाना था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाना था। कहने का मतलब है एक ऐसी बॉडी बनेगी जिसके अंदर क्या होगा, एक सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे और एक होंगे सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज होंगे। ठीक है, और जो मेजोरिटी पार्टी है उसके बीच 3-4 मेंबर्स होंगे और एक लॉ मिनिस्टर होगा। ठीक है, और अपोजिशन पार्टी का भी एक आदमी होगा, जो भी अपोजिशन पार्टी सबसे बड़ी। ठीक है, ये बॉडी जो है, ये पूरी बॉडी जो है वो डिसाइड करेगी
ऐसा कानून बनाने की कोशिश की थी 2015 में 121 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल से, कि ये बॉडी जो है वो डिसाइड करेगी, ठीक है, कि भाई कौन जज बनेगा हाईकोर्ट में, कौन जज बनेगा हाईकोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। अभी जस्ट मैंने 5 मिनट पहले आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जिसको प्रमोशन देना है, जिसको जज बनाना है, वो डिसाइड कौन करता है, कॉलेजियम डिसाइड करती है। आपने लिखा भी होगा जिसके अंदर एक मेन हेड होते हैं और 4 जो होते हैं ये अलग होते हैं। ये 1947 से हमारे चलती आ रही थी। अभी की गवर्नमेंट जो है वो आई एकदम फॉर्म में, 2014 में सेलेक्ट हुई थी, 2015 में इनको लगा कि नहीं नहीं सब जगह अपन जो है अपनी टांग अड़ाते हैं क्योंकि पास अपने पास मेजोरिटी है, तो ये जजेस कौन से अपने से ऊपर है, क्योंकि हमेशा क्या होता है जुडिशरी जो है इन पे कंट्रोल रखती है और सरकार को ये हमेशा डर रहता है कि अगर ये पूरी बॉडी में हमारे लोग ज्यादा है, कौन से हमारे लोग ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, अपने फेवर का एक दो आदमी तो सिलेक्ट करवा ही सकते हैं, वोटिंग होगी अपने फेवर का करवा लेंगे। और वो करवाने से क्या होगा, सरकार के खिलाफ या कोई भी केस टाइप आएगा सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट में, तो हम क्या है वो दिखती बात है जिसको आपने अपॉइंट किया तो वो आपका ही फेवर लेगा या कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो होता ही है, ऐसा चलता रहता है, ठीक है ना। तो जुडिशरी में क्या अपने आदमी ज्यादा हो गए, इस हिसाब से इन्होंने जो है फुल फॉर्म में इनको लगा हमको रोकने वाला कोई है नहीं क्योंकि हमारे पास मेजोरिटी है, सब कुछ हम ही है, ये चीज हुई। और नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जो है वो पास भी हो गया, वो बिल जो है पास भी हो गया और वो बन गया, ये जो 121 था वो बन गया था 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 99 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बन गया था। मैंने आपको बताया था जब 104 करवाए थे कि अभी कैंसिल हो चुका है, ठीक है, तो 99 एक्ट बन भी गया था, पर उसको थोड़े दिनों बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने फिर से रिव्यू किया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सरकार अपनी हिसाब अपनी मतलब पूरा टांग रखेगी बीच में तो फिर ऐसे काम चलेगा नहीं, सरकार ये चाहती है जुडिशरी जो है उनके अंडर में आ जाए कहीं ना कहीं। पर ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में लिखा हुआ है कि तीनों लोग अलग है, लेजिस्लेचर अलग है, एग्जीक्यूटिव अलग है, जुडिशरी अलग है, तो कोई किसी पे डिपेंडेंट नहीं। ये सारी चीज थे जो है इसी कॉलेजियम ने जो है सुप्रीम कोर्ट में डिसाइड किया गया कि नहीं, एक्ट भले ही पास हो गया हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये जो किया है वो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल या अनकॉन्स्टिट्यूशनल मतलब संविधान के खिलाफ है, सरकार कहीं पर भी बीच में नहीं आ सकती है और हटाओ ये बिल। तो जो बिल जो एक्ट बन चुका था उसको फिर वहां से नल एंड वॉइड मतलब कि जीरो कर दिया गया। तो आपको अगर पता हो 99 एक्ट जो है उसके आगे लिखा हुआ जरूर है कि एनजेएससी होगा और उसके आगे लिखा हुआ है अब ये कैंसिल हो गया, अब ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो नंबर तो इसका ये रहेगा 99 एक्ट पर अभी ये कैंसिल हो गया, उसके बाद तो फिर जो है 100 हुआ, 101, 2, 3 और 4 जो रिजर्वेशन का था मैंने आपको भी पढ़ाया था, ठीक है ना, तो वो हो रखा। तो ये जो है एक मतलब एक चीज थी जो गवर्नमेंट चाहती थी जुडिशरी हमारे कंट्रोल में आ जाए, और जो गवर्नमेंट को ये लगा कि क्योंकि हमारे पास मेजोरिटी है लोकसभा में और राज्यसभा में, तो हमारे पास मेजोरिटी है, बिल तो हम ऐसे ही पास करवा लें मिनटों में, ठीक है ना, और उन्होंने पास करवा भी लिया था। पर सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये पूरा फैसला फिर से पढ़ा और बोला कि नहीं, जुडिशरी अलग है, इंडिपेंडेंट है, आपसे कुछ नहीं होगा। और ये जो पूरा इंसिडेंट है वो इस गवर्नमेंट में पिछले जो फर्स्ट सेशन था इनका उसके अंदर सबसे बड़ी इनकी डिफीट यही थी, इनको ये लगता था कि सब कुछ हम ही है, पर इनके मुंह पे एक वो कांच कह सकते हो तमाचा मार दिया कि नहीं तुम होगे अपने घर पे, कुछ नहीं हो सकता। और आज भी अब जो है कॉलेजियम ही काम करता है, वो अपने जजेस किसको बनाने वो अपना खुद ही डिसाइड करते हैं, इनका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। तो ये पूरा इंसिडेंट हुआ था, चलते आगे। ये सारी चीजें क्यों बताइए, क्योंकि ये जो है कहीं ना कहीं चैप्टर के अंदर दे रही है, तो पहले आपको जो है क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ लेते हैं। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन फैक्ट वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कोर्ट ऑफ द वर्ल्ड, द जुडिशरी हैज प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी एंड द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। जुडिशरी का क्या काम है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चीजें लिखी हुई है उनका इंटरप्रिटेशन मतलब उनको ट्रांसलेट करना, उनको इजी करके बताना, और अगर कोई डेडलॉक है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका जो है सॉल्यूशन देना, किसको, प्रेसिडेंट को भी देना, और अगर लोकसभा राज्यसभा में कोई पूछे तो उनको भी देना, और अगर जनता पूछे तो उनको भी देना। जुडिशरी इज एसेंशियल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ राइट, ठीक है, हमारे अधिकारों की रक्षा के लिए जो है जुडिशरी का होना बहुत जरूरी है, और वो भी फ्री और फेयर होनी चाहिए। फ्री और फेयर कैसे होती है जुडिशरी, वो आपने 11th में पढ़ा था, उनका फिक्स पेमेंट होता है, उनका टेन्योर फिक्स होता है, उनको ऐसा इजीली हटा नहीं सकते, हटाने के लिए इम्पीचमेंट प्रोसेस है, वो भी थोड़ा लंबा चौड़ा है, ठीक है ना, 2/3 मेजोरिटी वगैरह चाहिए, ठीक है। इन एवरी सोसाइटी कॉन्फ्लिक्ट अराइज अमंग द पीपल, अमंग ग्रुप्स और बिटवीन अ ग्रुप ऑफ पीपल एंड द गवर्नमेंट, हर सोसाइटी में जो है मतभेद आते रहते हैं लोगों के बीच में, परिवार के बीच में, सोसाइटी के बीच में, गवर्नमेंट के बीच में, स्टेट के बीच में, ठीक है, हमेशा लड़ाई वगैरह चलती रहती है। इनको सुलटाने का काम कौन करता है, एक एपेक्स बॉडी होती है जिसको हम जज कहते हैं या जिसको कहते हैं भाई ये न्याय करेगा, वो होती है जुडिशरी।
ऑल दिस कॉन्फ्लिक्ट शुड बी रिजॉल्व ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द रूल ऑफ लॉ बाय एन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन, ठीक है। और ये सारे कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किस तरह से सॉल्व होने चाहिए, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से होने चाहिए जो इंडिपेंडेंट हो, मतलब जिसपे किसी का दबाव नहीं हो, वो फ्री हो एकदम, उस पर कोई कहने वाला नहीं हो, ठीक है। और क्या है रूल ऑफ लॉ, क्या होता है रूल ऑफ लॉ, होता है आपको पढ़ाया था मैंने कि भाई कानून के सामने, कानून के सामने सभी लोग इक्वल है, ठीक है। अब तो फिर चाहे वो मिनिस्टर हो, चाहे कोई एक्टर हो, चाहे कोई करोड़पति हो, ठीक है, कानून के सामने अगर आपने कुछ किया है तो आप सब बराबर हो, आपको बराबर जो है सजा वगैरह दी जाएगी, ठीक है। रूल ऑफ लॉ मीन्स दैट रिच और पुअर, वुमेन और मैन, एफ्लुएंट मतलब कि प्रभावशाली ग्रुप और बैकवर्ड ग्रुप, ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ, कानून के सामने सभी लोग बराबर है। The primary role of the judiciary is that it should ensure the supremacy of the law and protect the rule of law. Judiciary protect the right of the people, solve the conflict according to the law and ensure that a person or a group does not impose dictatorship instead of democracy. For this, it is essential that judiciary should be free from any kind of political pressure. ठीक है, judiciary का काम क्या होता है कि लोगों को जो है ये विश्वास दिलाना कि government जो है वो government के हिसाब से काम करेगी, सब कुछ जो है constitution के हिसाब से होगा, कोई भी आदमी अपने आप में जो है dictator नहीं बन जाए, तानाशाह बन जाए, या government तानाशाह बन जाए, majority के नाम पे जो है आप कुछ भी ना कर लो, ठीक है। ये भी बात है, अगर आपको ऐसा कानून ही पास करवा लेते हो, क्योंकि आपस मेजोरिटी है, ठीक है, कानून हो गया और जनता बोलती है ये चीज गलत है, तो उसको चेक कौन करेगा, उसको चेक करेगा सुप्रीम कोर्ट। कैसे, आपको बताओ तो जुडिशियल रिव्यू होता है, 11th में बढ़ाता है, PIL होती है, ठीक है ना, उसमें क्या होता है केसेस चेक किए जाते हैं ये वास्तव में सही है या नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन किस में कंपेयर किया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन से, कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है, उसके अलग कुछ चीजें हो जाती है तो फिर वो कैंसिल कर दी जाती है, ठीक है ना। ऐसे बहुत से इंसिडेंट है, चाहे वो रिजर्वेशन वाला हो या वो हो, ठीक है ना, उसमें जो है चेंजेस कर दिए जाते हैं कि आप जो गलत कर रहे हो। कितने चेंज किए जाते हैं, उतने ही चेंज किए जाते हैं जितने कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, कि इतना चीजें जो है इतना तक सही है, रिजर्वेशन जो है 50% तक ठीक है, 50% से ज्यादा नहीं दे सकते, तो वो सब चेक की जाती है। अगर कोई गवर्नमेंट ज्यादा दे देती है तो सिद्ध आएगा सुप्रीम कोर्ट अगले दिन, और क्या करेगा, वो सब कैंसिल करेगा कानून के, बोले तो सब गलत है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में इतना इतना लिखा हुआ है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन का इंपॉर्टेंस है। जुडिशरी क्या करती है, कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करती है। इंडिया में या हमारी कंट्री में कोई भी चीज गलत हो जाए, कॉन्स्टिट्यूशन से अलग हो जाए, या किसी के राइट्स का वायोलेशन हो जाए, तो उसको प्रोटेक्ट करने का काम कर देती है। हाउ कैन द जुडिशरी बी इंडिपेंडेंट एंड हाउ कैन इट बी गिवन प्रोटेक्शन। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर्स द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी बाय मेनी मेजर्स। द लेजिस्लेचर हैज नो रोल इन द अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस। ठीक है, अब जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट कैसे है, जुडिशरी इंडिपेंडेंट कैसे है, इम्पार्शियल कैसे है, ठीक है, ये आपने 11th में भी पढ़ा था और यहाँ पे फिर से पढ़ रहे हो कि जुडिशरी किस तरह से फ्री है, कहाँ इसका प्रेशर नहीं आता। सबसे बड़ी बात है कि लेजिस्लेचर मतलब कि जो ये लॉ मेकिंग बॉडीज है, जो पार्लियामेंट है या आपका जो स्टेट असेंबलीज वगैरह, इनका कोई रोल नहीं है जजेस को अपॉइंट करने में। जजेस को अपॉइंट कौन करता है, अभी आपको बताया, कॉलेजियम होता है अलग ही सुप्रीम कोर्ट का, सीनियर मोस्ट जजेस का, वो अपने आप डिसाइड करते हैं किसको नहीं लेना है, किसको लेना है। This ensured that there should be no role of political party in these appointments. ठीक है, for being appointed a judge, the person should be a law expert or have sufficient experience of legal practice. जज बनना है आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो एक्सपीरियंस का फिर क्राइटेरिया है, इतने केसेस होने चाहिए, इतने साल हो जाने चाहिए, इतनी एज होनी, मिनिमम एज तो वैसे नहीं है पर केसेस होते हैं, और बढ़ते बढ़ते आदमी को एक्सपीरियंस होता तो उसकी एज भी बढ़ेगी, तो हम लमसम जो है 40-45 के आसपास जो है चांसेस रहते हैं, हमेशा नहीं, चांसेस रहते हैं किसी आदमी के हाई कोर्ट के जज बनने के। और सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के जो है लगभग उम्र होती है लगभग 58-60 के आसपास है बनते हैं, क्योंकि इतना एक्सपीरियंस ही सब क्या, आपका पूरा जो रिकॉर्ड है ट्रैक रिकॉर्ड, आपने पहला केस कब लड़ा था और आज तक कितने लड़े हो, क्या रिजल्ट रहा है, ये सारी चीजें देखी जाती है, उसके बाद ही कोई डिसीजन लिया जाता है। The basis of his appointment should not be the person's political ethics or allegiance. ठीक है, political आपकी approach या किसी की तरह का कोई प्रभाव नहीं है, वो basis नहीं होता, basis हमेशा जो है आपका track record होता है अगर आपको judge बनना है। The judges have a fixed tenure. इनका fixed tenure होता है, ठीक है, 62 साल उम्र है वहां तक होता है, सुप्रीम कोर्ट है तो 65 साल उम्र है वो होता है, आपने पढ़ाई था बट सॉरी दे होल्ड ऑफिस टिल रीचिंग द एज ऑफ रिटायरमेंट, ओनली इन एक्सेप्शनल केसेज जजेस में भी रिमूव। ठीक है, और अगर कोई जज जो है किसी तरह का कोई गलत चीज करता है, वॉयलेशन करता है या कुछ धोखाधड़ी करता है, तो उसको हटाने का भी प्रोसेस है, जिसको इम्पीचमेंट कहते हैं, जजेस को हटाने का भी प्रोसेस है, ठीक है ना, बट अदरवाइज दे कैन नॉट बी रिमूव। ठीक है,
हटाया कब जाता है, जब अगर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का वॉयलेशन किया है, कोई गलत चीज की, तब बाकी नॉर्मल केस में जजेस को भी हटाया नहीं जाता है, इजीली नहीं हटा सकते भाई। गवर्नमेंट आप पे प्रेशर नहीं डालती कि मेरे पक्ष में जो है फैसला दे देना है जो कल तुझे हटा देंगे, हटा नहीं सकते आप इजीली। हटाने के लिए भी बहुत लंबी चौड़ी प्रोसेस है, तो इजीली आज तक किसी जज को वैसे हटाया नहीं गया है, ठीक है, क्योंकि प्रोसेस बहुत लंबी है, इतना इजीली हटता नहीं है। तो जज भी जो है फ्री होके अपना डिसीजन देगा, उसको पता है मैं हटने वाला तो हूं नहीं, तो क्यों ना कानून का ही साथ दूं, इजीली होके मैं काम करूं। ड्यू टू द सिक्योरिटी ऑफ देयर टेन्योर द जजेस परफॉर्म देयर ड्यूटी विदाउट एनी एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ फियर। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसीजर फॉर रिमूवल ऑफ द जजेस। द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर हैड द ओपिनियन दैट द डिफिकल्ट प्रोसीजर ऑफ रिमूवल वुड प्रोवाइड सिक्योरिटी ऑफ ऑफिस टू द मेंबर ऑफ जुडिशियरी। कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखी हुई है कि कैसे हटा सकते हो कैसे नहीं हटा सकते, ये सारी व्यवस्था, क्योंकि ये किसी जज पे कोई दबाव न बने कि जो है यार कल मेरे को हटा देंगे, जैसे कि सरकारी कर्मचारी पे होता है यार कल कोई ट्रांसफर हो जाएगा, ऐसा जजेस का नहीं हो पाता, क्योंकि जजेस की जो है पूरी एस्टेब्लिशमेंट जो है बहुत स्ट्रांग है, और आप उसको एक गवर्नमेंट का एक पार्ट है तीसरा वो लेके चलता है, उसको इजिली आप रिमूव नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो यहां तक था, नेक्स्ट वाला जो है नेक्स्ट वीडियो में आ रहा है।